भुलाना तो छोड़ो, लोगों को अब उनके ऊपर तरस आता है कि उन्होंने रंगीला राजा जैसी फिल्म कैसे की। ये कैसी घटना घट रही है, बिना कारण फट रही है। क्या कनेक्शन है गोविंदा का बचपन के साथ, जिस वजह से ये सब हुआ। जबकि इस हालात की वजह गोविंदा इंडस्ट्री के लोगों को मानते हैं। उनका कहना है कि लोग उनके खिलाफ ग्रुपिज्म कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को लोग थिएटर में लगने नहीं दे रहे हैं। I have started feeling that there is a problem. There are few people not providing me the place to act. उनकी फिल्मों की शूटिंग किसी न किसी कारणवश रोक दी जाती है, उनको अच्छे किरदार ऑफर नहीं हो रहे हैं। बाकी दो फिल्में जो है रवि चोपड़ा साहब की और अष्टमिलाय की, वो उनका क्या पोजीशन है? रन बोला रन, सच कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आया कि वो अचानक कैसे ठहर गई। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 100 करोड़ फीस वाली फिल्में उन्होंने ठुकरा दी है, क्योंकि उन्हें वायलेंस स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाना है। 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। यहाँ तक कि डेविड धवन ने भी उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि डेविड धवन को अब उनके साथ काम करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अब उनके हिसाब से गोविंदा को छोटे रोल ही करने चाहिए। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फोन ऑन रख, मैं सुनना चाहूंगा ये कहता क्या है। तो डेविड का फोन जिस वक्त कह रहे थे उनका फोन ऑन था, तो फोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चिची बहुत सवाल पूछने लग गया है, और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। लेकिन गौर करने की बात यह है कि 90s तक गोविंदा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से गोविंदा सबको क्यों खटकने लगे। 2001 तक गोविंदा हिट जा रहे थे। यहाँ तक कि 1999 में बीबीसी के सर्च के मुताबिक गोविंदा 10th पोजीशन पर नोटवर्दी स्टार थे। लेकिन अर्ली 2000 में गोविंदा को पहली बार ऐसा महसूस होने लगा कि उनका करियर डाउन जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी वक्त बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा था। दुनिया भर में लोग नई सेंचुरी की वजह से नई चीज़ों को अपनाना चाह रहे थे, और फिल्म इंडस्ट्री में कॉरपोरेटाइजेशन आने की वजह से 90s और 80s में जो फिल्में बना करती थी, जो चलती थी, वो फिल्में अब कम सक्सेस होने लगी। 3-4 सालों में ही हर जगह मल्टीप्लेक्सेस नजर आने लगे, और जनता तब हर तरीके की फिल्मों की टिकट्स ऑफर नहीं कर सकती थी। और ऑडियंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल गया था, खास तौर पे कॉमेडी के लिए। जहां पहले स्लैपस्टिक कॉमेडी चला करती थी, अब लोगों को सिचुएशनल कॉमेडी की फिल्में ज्यादा पसंद आने लगी। हेरा फेरी, खट्टा मीठा, गोलमाल, गरम मसाला, ऐसी फिल्में लोगों को ज्यादा पसंद आने लगी, और इन फिल्मों में मेन लीड से ज्यादा कैरेक्टर रोल चला करते थे। ऐसे में गोविंदा का जो जॉनर था, उनकी जो फिल्में थी, वो पिटने लगी। जैसे कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखें उसे गोली मारे, सैंडविच जैसी फिल्में। आई थिंक उस टाइप की फिल्में जहां चिची का टैलेंट करेक्टली यूज हो सकता है, आई थिंक वो काइंड ऑफ फिल्में अब नहीं बन रही। और फिर गोविंदा ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब वो कॉमेडी फिल्मों से ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनकी कॉमेडी फिल्में लोगों को बी ग्रेड फिल्में लगने लगी है। और बावजूद उसके उन्होंने वैसी ही फिल्मों में काम किया। और जब अब करियर ठीक नहीं चल रहा था, तो ठीक उसी समय गोविंदा ने और एक बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। और इस जिम्मेदारी का काम जो मुझे सौंपा गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला मुझसे ऐसा ही करवाए जिससे मेरे संपूर्ण परिवार की, हर वो शख्स जो मुझसे प्यार करता है, हर वो व्यक्ति जो मेरे प्रति स्नेह रखता है, उनका सम्मान बढ़े। गोविंदा ने इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोटों से वो जीत गए, लोकसभा के वो सदस्य बन गए। लेकिन लोग पार्लियामेंट में भी उनसे खुश नहीं थे, वो वहाँ पे दिखते नहीं थे, काम के सवाल नहीं करते थे, मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करते थे। कि आपने आज तक संसद में खड़े होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या सवाल पूछे? अरे एक सवाल नहीं है आपके नाम से लिस्टेड। और ऐसी ही शिकायतें गोविंदा की इंडस्ट्री के लोगों में भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो हिट फिल्में नहीं दे रहे थे। और फिर लोगों ने वो बातें करना शुरू कर दी कि गोविंदा को काम की कदर नहीं थी, वो लेट आया करते थे, साथ ही आर्टिस्टों की उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, और उसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। डेविड धवन ने तो ये बताया भी कि गोविंदा की अनपंक्चुअलिटी सिर्फ वही झेल सकते थे और कोई नहीं। I was the only one who could handle him. और काफी लंबे समय बाद गोविंदा की 2 मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवीज आई, अक्षय कुमार और सलमान के साथ भागम भाग और पार्टनर। ये फिल्में हिट रही, लोगों को विश्वास हो गया कि अब गोविंदा का कमबैक कंफर्म है। लेकिन गोविंदा का सक्सेस सिर्फ इन 2 फिल्मों तक ही सीमित रह गया, जबकि गोविंदा हर साल फिल्में करते रहे, जैसे कि मनी है तो हनी है, चल चल चल, किल दिल, लेकिन ये मूवी फ्लॉप रही। फिर गोविंदा को लगा कि मुझे इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना होगा, तो उन्होंने वांटेड और हॉलीडे में कैमियो भी किया, और उनकी आखिरी फिल्म आई थी 2019 में रंगीला राजा। और आज 5 साल हो चुके हैं कि गोविंदा का कोई भी हमें सॉन्ग, कोई मूवी या उनका कोई भी किसी मूवी में कैमियो देखने को नहीं मिला है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि गोविंदा में बहुत बड़ा ईगो आ गया था, क्योंकि उन्होंने ताल और देवदास जैसी फिल्में सिर्फ इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि उनका मानना था कि वो सलमान और शाहरुख जैसे बड़े स्टार है, इसलिए वो कैरेक्टर रोल्स नहीं करेंगे। पर आप मुझे करेक्ट
एक्टर रोल क्यों देने, मतलब कि सीधा स्टार से इधर। लेकिन शाहरुख, सलमान, आमिर खान तो लीड रोल लेकर जाते थे, कैरेक्टर रोल्स की भी कमी पूरी कर दी थी अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कपूर इन जैसे स्टार्स ने। लेकिन मेन कारण रहा गोविंदा के डाउनफॉल का कि वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल होते जा रहे थे। आपकी अदालत में गोविंदा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जेम्स कैमरून का अवतार वाला मेन लीड का रोल उनको मिला था। कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया अवतार, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे उनकी बॉडी पर ब्लू पेंट लगवाने के लिए, तो उन्होंने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया। तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। ये बात को सुन के लोगों ने ये कमेंट पास करना शुरू कर दिया कि गोविंदा शायद पागल हो गए हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे हैं। जबकि हकीकत तो ये थी कि पहलाज निहलानी ने एक फिल्म साइन की थी उनके साथ और उस फिल्म का नाम था अवतार, जो ये फिल्म बॉलीवुड की थी और ये फिल्म नहीं बनी। ये भ्रम का सिर्फ एकलौता ऐसा एक उदाहरण नहीं था। पहलाज निहलानी ने गोविंदा के साथ फिल्में की थी, उन्होंने बताया कि गोविंदा समय के साथ साथ और भी थोड़े अलग होते जा रहे थे। वो सेट पर लोगों को कहा करते थे कि हट जाओ, यहाँ पर सैंडिलियर गिरने वाला है, मतलब वो प्रिडिक्शन करने लग गए थे। उन्हें डर था कि कादर खान डूब जाएंगे। क्रू मेंबर्स को अपने सुपरस्टिशंस के आधार पर कपड़े चेंज करने के लिए बोलते थे और उसी के आधार पर सर्टन स्टेज पर सर्टन चीजें सर्टन डेज पर करने से मना कर दिया करते थे। और लोगों ने इसको गोविंदा के डिल्यूजन का कारण, उनके डाउनफॉल का कारण तो बताया है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि गोविंदा के इस सुपरस्टिशन का कनेक्शन, डीप रूटेड कनेक्शन उनके फादर के फेलियर से है। गोविंदा के इंटरव्यू जो पुराने हैं नए हैं उनको अगर ध्यान से सुना तो पता चलता है कि वो अपनी माँ की बातों को बहुत ज्यादा मानते थे। मैं जिस वक्त 14 वर्ष का था, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम गायत्री उपासना करो, मैंने 24 लाख गायत्री उपासना की। इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सभी मानते हैं, लेकिन गोविंदा और उनकी माँ के बीच की बातें थोड़ी सी अलग थी और बचपन से ही उनकी मॉम का उनके ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा। शुरुआत में तो गोविंदा के माता पिता बहुत सक्सेस थे, वो विरार के किसी चौल में नहीं बांद्रा के एक बड़े से बंगले में रहा करते थे। उनके फादर ने सवेरा, 40 करोड़ ऐसी बड़ी फिल्मों में अच्छा काम किया था। 1940 के दशक में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और सहरा फिल्म को प्रोड्यूस कर दिया और ये मूवी का फ्लॉप होने की वजह से उनके पिताजी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उनको अपना बंगला बेचना पड़ा। सच है कि आप उनका एक बंगला था कार्टर रोड पे, तो फिर आफ्टर द फिल्म फ्लॉप्ड देन फ्रॉम कार्टर रोड You, the family had to move to Virar. उसके बाद उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और जब गोविंदा का जन्म होने वाला था तो उनके माता और पिता साधु संतों की तरह रहने लगे। उनकी माँ निर्मला देवी बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस थी। वक्त और हालात उनके बुरे चल रहे थे तो स्पिरिचुअल की वजह से उनको उम्मीद नजर आती थी। मेरी मम्मी भी पहले फिल्मैन में थी, डैडी भी फिल्मैन में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे। अच्छा। 40 के। और उनकी माँ जो भी प्रेडिक्ट करती थी वो सच होता था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि गोविंदा की बहन पद्मा जी, जो कृष्णा अभिषेक की माँ है, उनकी डेथ उनकी बेटी के जन्म के बाद हो जाएगी और बाद में जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ। और गोविंदा की माँ ने अपनी भी डेथ प्रेडिक्ट कर दी थी कि 3 महीने बाद वो गुजर जाएगी और ठीक वैसे ही हुआ। जिसके लिए 1993 में गोविंदा की माँ की तबीयत जब खराब हुई थी तो उन्होंने 60 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया था और गोविंदा के लिए भी उन्होंने बताया था कि 21 साल की उम्र में वो कमाल करेंगे मूवीज में। और ठीक ऐसा ही हुआ, 21 साल की उम्र में ही गोविंदा अपनी कुछ फिल्मों में ही हीरो साबित हो गए थे। और ये उनकी माँ का ही कहना था कि भगवान ने जब तुम्हें इतना ज्यादा काम दिया है तो तुम कौन होते हो उस काम को ठुकराने वाले। और भगवान ने जब मुझे काम दिया है तो मैं क्यों ठुकराऊं। और गोविंदा का मार्केट से इतना ज्यादा काम उठा लेना सिर्फ उनकी माँ का कहना ही नहीं था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने परिवार की तरफ। गोविंदा ने अपनी जिंदगी में अपनी परिवार की 11 मौतों को देखा है, इंक्लूडिंग उनकी फर्स्ट डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, 2 कजन्स, जीजा, तो ऐसे इन सब के बच्चों की जिम्मेदारी गोविंदा पर आ गई थी जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फिल्में किया करते थे। ऐसे में वो बहुत ज्यादा ट्रेस रहा करने लगे और फिर उनको दिलीप कुमार साहब ने सलाह दी कॉमेडी फिल्में करने की ताकि उनका मन थोड़ा अपने काम में लगे और अपने जीवन की ट्रेजेडी से वो हट सके। अब जबकि फिल्म इंडस्ट्री भरोसे पर चलती है और लोगों को ये भरोसा होने लगा कि गोविंदा वक्त पर नहीं आते हैं और हमारी फिल्म वो टाइम पर पूरी नहीं कर सकते, तो लोगों ने उनकी बुराई करना शुरू कर दी और ऐसा तब वो ज्यादा करने लगे जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगे। विशाल बघनानी का कहना है कि 90% एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में लेट ही आया करते थे लेकिन कभी भी उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि गोविंदा एक छोटी जगह से आते थे तो कोई भी उनको कुछ भी कहकर चला जाता। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 90% एक्टर लेट आते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है मुंह पे बोलने की। पर ये क्या एक सिंपल घर से बिलोंग करता है तो लोग इसकी एडवांटेज लेते थे, गोविंदा आया नहीं, लेट हुआ। और ऐसे में गोविंदा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा बिलीव करने लग गए। एंड एस्ट्रोलॉजी आल्सो यू बिलीव अ लॉट। या अब जो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रूप शास्त्र, नामांकन शास्त्र। मेरा असली नाम है गोविंद अरुण आहूजा और मेरा फिल्मी नाम है गोविंदा। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गोविंद नाम से
6 निकलता रेडी नंबर 8 व्हिच इज नॉट लकी फॉर मी सो गो डाउन नंबर 3 सो आई केप गोविंदा। यहाँ तक कि इसी एस्ट्रोलॉजी के चलते उन्होंने अपनी माँ के कहने पर 49 ईयर्स में दोबारा शादी कर ली अपनी पत्नी से। अब ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पर्सनल जिंदगी में कोई भी डिसीजन हम लो तो कुछ वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन गोविंदा के लिए ये प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो गया। जैसे कि गोविंदा पॉलिटिक्स में भी इसी वजह से गए थे कि उनको किसी गुरु ने बताया था कि अगर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो अच्छा करेंगे। जिस वक्त देश के जो महान साधु संत लोग हैं वो मुझे कह रहे थे कि गोविंदा तुम ये 14वीं लोकसभा इसमें आ जाओ, लेकिन रिजल्ट में हम देखते हैं कि उनकी रेपुटेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा खराब साबित हुआ। और इसी डिल्यूजनल के चलते उनके रिस्पेक्ट सेट पे, प्रोड्यूसर्स में, एक्टर्स में और ज़्यादा डैमेज होते चले गए। अब गोविंदा का करियर जितना भी अप्स एंड डाउन रहा हो, लेकिन इन 100 सालों के दरमियान फिल्म इंडस्ट्री ने गोविंदा जैसा स्टार नहीं देखा। उनकी मूवीज में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशंस को देखने के बाद लोगों को ये बात पता चल गई है कि गोविंदा जैसा एक्टर आज भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। उनकी मूवमेंट, कॉमिक टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। मुश्किल से ही गोविंदा के किसी परफॉर्मेंस में बुराई सुनने को मिली होगी। जहां ऑडियंस की टेस्ट चेंज हो गई और गोविंदा का उस टेस्ट को अडॉप्ट ना कर पाने के कारण और उनकी वॉर कमिटमेंट्स, अंडर लाइबिलिटी, उनकी मजबूरियां और उनकी सुपरस्टिशंस की वजह से गोविंदा जैसा टैलेंटेड एक्टर, गोविंदा जैसा माहिर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं। इस भ्रम में गोविंदा जो फंसे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।